भारत की तीन नदियाँ ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना एक ऐसी जगह जाकर मिलती हैं जहाँ ये जीवन के नए और अनोखे रंग रूप को जन्म देती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे और दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और ताकतवर जानवर जो दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, यहाँ जीवन अपने चरम पर है। ये है सुंदरवन। ये सदाबहार जंगल भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद है, जहाँ ये नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं। करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में और 40% हिस्सा भारत में है। सुंदरवन एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र है जो जंगली जीवों के लिए खास वातावरण बनाए हुए हैं। ये स्तनपाइयों के लगभग 42 प्रजातियों का घर है और यहीं रहता है दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी, जिससे सिर्फ यहाँ के जानवर ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी डरते हैं, द ग्रेट बंगाल टाइगर। इस जंगल में लगभग 180 बाघ हैं, जिसमें से 106 बांग्लादेश में और 74 भारत में हैं। दूसरे जंगलों के मुकाबले ये यहाँ भरे नदियों और समुद्र के पानी में मजे से तैरते हैं और भारत के जंगलों में दुनिया में बचे टाइगर्स की 80% जनसंख्या रहती है। लेकिन हर एक जीव इन बाघों जितने ताकतवर नहीं होते। चीतल, हिरण और जंगली सुअर ये इस जंगल के वो जानवर हैं जिन्हें बाघ आमतौर पर अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या यहाँ इन बाघों से कहीं ज़्यादा है। इस जंगल में करीब 30,000 हिरण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बाघ ही नहीं हैं जिनसे इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा हो, क्योंकि यहाँ और भी कई तरह के कुशल शिकारी मौजूद हैं, जैसे जंगली बिल्ली और तेंदुए। कभी कभार ये बाघ किसी और इलाके में चले आते हैं। जानवर जानवर हैं और इन्हें पता नहीं कि इस जंगल की हद कहाँ तक है, लेकिन इनकी ये चीज़ किसी दूसरे के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाघों का हमला पहले एक आम बात होती थी। सन 2000 से 2010 के बीच इनके हमलों से यहाँ 40 लोग मारे गए थे। सुंदरवन एक सदाबहार जंगल है जो पानी से भरे रास्तों, कीचड़ से भरी जमीन और छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इस मुहाने पर नदियों का पानी समुद्र से मिलता है। ये नदियाँ यहाँ छोटे रास्तों के जरिए पूरे जंगल में फैली हुई हैं, लेकिन ये पानी से भरे रास्ते यहाँ एक खास भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये कुछ मीटर से लेकर कभी कभार कई किलोमीटर लंबे होते हैं। इसलिए इस जंगल के हर एक कोने में एक नाव से जाया जा सकता है। ये नदियाँ यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से बहकर आती हैं और अपने साथ लाती हैं एक खास चीज़, उपजाऊ मिट्टी। ये मिट्टी यहाँ पैदा होने वाली समस्त वनस्पतियों के लिए एक बेहद फायदेमंद चीज़ है। बारिश के दिनों में यहाँ नदियों में पानी बहुत ज़्यादा और साफ होता है। कुछ समय के लिए ये नदियाँ समुद्र के पानी को बाहर धकेल किनारों पर अपना दबदबा बना लेती हैं और अपने साथ लाई रेत किनारों पर जमा देती हैं। लेकिन ये पानी जितना शांत और खूबसूरत दिखता है, असल में उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पानी में एक ऐसा ताकतवर जीव रहता है जो इस जंगल के किसी भी और जानवर से नहीं डरता, बाघ से भी नहीं। ये हैं खारे पानी के मगरमच्छ। ये दुनिया के इकलौते सबसे बड़े रेप्टाइल हैं और नदी मुहानों पर समुद्र के खारे पानी में ये बड़े आराम से रहते हैं। 20 फीट लंबे और 1000 किलो वजन वाले इन क्रोकोडाइल की जबड़े की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार शिकार हाथ लगने पर उसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पानी में सिर्फ मौत ही नहीं मंडराती, कुछ खूबसूरत चीज़ें भी हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से ऐसे देखने के लिए नसीब लगता है। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स। यहाँ पानी जीवन से भरपूर है। स्टारफिश, बटरफिश और इलेक्ट्रिक रे जैसी करीब 150 अलग अलग किस्म की मछलियाँ यहाँ सब इस पानी में एक साथ रहती हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खास मड्सकीपर नाम की एक मछली है जो पानी से निकलकर पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है। भारत के सुंदरवन का इलाका बहुत ज़्यादा जीव संसाधनों से भरा है। पानी की इस जीव संपदा से थोड़ी दूर जंगल की सुनसान ज़मीन पर कुछ ऐसे जहरीले और ख़तरनाक जीव हैं जो शरीर में भले ही छोटे हों, लेकिन अपने जहर से बड़े खतरनाक जानवर को ढेर कर सकते हैं। यहाँ करीबन 35 रेप्टाइल और 8 एम्फीबियंस की प्रजातियाँ इस जंगल को अपना घर बनाए हुए हैं। ये हैं इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप, द किंग कोबरा, कॉमन क्रैथ और रसल वाइपर। और इनमें से रसल वाइपर का जहर तो इतना खतरनाक है कि इसके एक बाइट में छोड़ा गया जहर 22 लोगों को मारने के लिए काफ़ी है। हाउस गेको और मॉनिटर लिजर्ड जैसी छिपकलियाँ, कुछ सामान्य और पेड़ों पर रहने वाले मेंढक यहाँ बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। गहरे जंगलों में ज़्यादातर जीव पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन सदाबहार जंगल ज़्यादा वनस्पतियों का घर नहीं होते। दुनिया भर में सदाबहार की 50 में से 26 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहाँ खूब फलती फूलती हैं। नदियों का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ कई तरह के बीज भी ले आता है जो यहाँ वातावरण के अनुकूल होने पर पनपने लगते हैं। हेरिटेरा फॉर्म्स यानी सुंदरी नाम के पेड़ यहाँ सबसे ज़्यादा उगते हैं।
इस जंगल का ज्यादातर भाग इन पेड़ों से भरपूर है और यही पेड़ वो वजह है जिससे इस जंगल का नाम सुंदरवन पड़ा है। इनके अलावा खजूर प्रजाति के कुछ पेड़ जैसे पोरेसिया, क्वार्क टाटा, नाइपा फ्रूटिकंस और इम्पेराटा सिलेंड्रिका जैसी घास के साथ साथ कई और वनस्पतियां भी हैं जिन्होंने यहाँ के मिश्रित पानी में जीने का तरीका ढूंढ लिया है। इन पेड़ों की टहनियों और आसमान में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनके बिना यह जंगल बिल्कुल सुनसान होगा। कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं जैसे विंग्ड किंगफिशर, ये यहीं रहकर अपना गुजारा करता है और इसे खासतौर पर ऐसे ही गर्म और सदाबहार जंगलों में रहना पसंद है। और कुछ होते हैं माहिर शिकारी जैसे वाइट बिल्ड सी ईगल, ये करीबन 4.5 किलो वजनी होता है जिसके पंखों की लंबाई 2 मीटर से भी ज़्यादा होती है। इसे ज़्यादातर समुद्र के किनारे वाले इलाकों में रहना पसंद है और समुद्री मछली, सांप और कछुए जैसे जीव इसका पसंदीदा खाना है। सुंदरवन में ओपन बिल्ड स्टॉक्स, वाटर हैंस और ब्लैक काइट की तरह पक्षियों की और भी लगभग 286 प्रजातियाँ हैं और सर्दियों में यहाँ दूर दूर से वाटर बर्ड्स माइग्रेशन करके आते हैं। ये जंगल अपने आप में एक जन्नत है। इस जंगल को ब्रिटिशर्स ने आज से 200 साल पहले मापा था। 1903 में डेविड ब्रेन ने यहाँ 245 जेनरा और 334 प्लांट स्पीशीज को दर्ज किया था, लेकिन ब्रेन की रिपोर्ट के बाद से यहाँ की सदाबहार प्रजातियों और जानवरों में काफ़ी बदलाव हो चुका है। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स और स्थानीय लोगों ने अवैध तरीकों से इन जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया था जिसकी वजह से इंडियन राइनोसोरस और मगर क्रोकोडाइल जैसे जानवर यहाँ पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। 2 एम्फीबियन, 14 रेप्टाइल, 25 एव्स और 5 मैमल्स की प्रजातियों को इंडेंजर्ड माना जा चुका है और केप्ड लंगूर, ओटर, एशियन स्मॉल क्लाड ओटर, लार्ज इंडियन सिवेट यहाँ ख़त्म होने के कगार पर हैं। 1959 से 1983 के बीच यहाँ की 2 सबसे ज़रूरी मैनग्रोव स्पीशीज़ सुंदरी में 40% और गेवा में 45% की गिरावट देखने को मिली थी। तब से लेकर आज तक ये अपने पूरे क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा खो चुका है और अब ये जगह लुप्त होने के बहुत बड़े खतरे में है। कई 100 सालों से इंसान इस जंगल के संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं। यहाँ उगने वाली सुंदरी और कई पेड़ों की लकड़ी सख्त होती है जिसे लोग घर, नाव, फर्नीचर और कई तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये पेड़ जंगल को बेहतर वातावरण तो देते ही हैं, साथ में यहाँ रहने वाले जानवरों और लोगों को चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। इस मैनग्रोव जंगल के ख़त्म होने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से बनी इस दीवार का टूटना, जिसके टूटने के बाद ये जंगली जीवन और भी तेज़ी से ख़त्म होगा। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने 2012 की एक रिपोर्ट में बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते सी लेवल के कारण सुंदरवन हर साल अपना 200 मीटर का एरिया खोता जा रहा है। अब तक ये इससे 7,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल खो चुका है और पिछले एक दशक में ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के चलते इसने अपने आसपास के लगभग 17,179 हेक्टेयर ज़मीन खो दी है। ज़मीन पर समुद्र के खारे पानी के बढ़ने से यहाँ के जीव और वनस्पतियों को जीने में दिक्कत होती है। जानवरों को मारने और पकड़ने के ऊपर रोक होने के बावजूद यहाँ बायोडाइवर्सिटी में कमी देखने को मिल रही है। ये जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में हम इसे हमेशा के लिए खो दें।